राम राम सारा भाई माना ना, एक बार फिर मैं पेश हूँ भाई दोबारा दूसरी वीडियो। हरियाणा का करंट अफेयर की बात हो रही है, हरियाणा की करंट जीके की बात करूंगा। दिन में बन दी कौन वीडियो, लाइट की जो व्यवस्था हो सकी वह तरक करी है, बीच में लाइट चली जा तो नाराज ना होइयो, जितनी बनेगी उतनी थारी हो जाएगी। आपा बात करांगे हरियाणा की करंट जीके की, हर प्रकार की नौकरी जिसी भी थमचाओ हो वह नौकरी ले सको हो, मेरा साथ जुड़ जाओ। तो पहला क्वेश्चन हरियाणा करंट बात करने लग रहा हूँ आपके साथ पुलिस विभाग से, क्योंकि हरियाणा पुलिस की तैयारी करने वाले बहुत सारे भाण भाई होंगे, तो आओ तब मैं पुलिस में ज्वाइनिंग दिवाऊंगा मैं, मेरा साथ जुड़ जाओ आप। हरियाणा पुलिस का पहला क्वेश्चन जो है ना, इनोवा गाड़ी तो शुरू करांगे। हाँ जी, इनोवा इनोवा गाड़ी है ना, हरियाणा पुलिस को, हरियाणा पुलिस को याद रखोगे मनोज कुमार जो यादव जी है ना, हमारे डीजीपी है ना, डीआईजी साहब जो है ना, तो उन्होंने क्या कर दिया याद रखोगे, पुलिस डिपार्टमेंट के लिए नई इनोवा कारें, ये गृह मंत्री हमारे अनिल विज का है ना ऑर्डर है भाई, सीधी सी बात इनोवा गाड़ी दो पुलिस वाले ने, दिन रात काम करें भाई, सीधी सी बात। हरियाणा पुलिस की क्वेश्चन बताऊं, 5-6 याद करियो इन प्रश्न ना, तो इनोवा गाड़ी हरियाणा पुलिस में शामिल होगी है। दूसरा जो क्वेश्चन बड़ा है ना हरियाणा पुलिस का, दूसरा क्वेश्चन आप और तय ले लेंगे, पुलिस डायरी। हाँ जी, पुलिस डायरी। हाँ जी, कोई भी पुलिस अधिकारी है ना, याद रखो कोई भी पुलिस अधिकारी किसी भी प्रकार का मुकदमे की जब वो जांच करे है तो उसके डेली के आंकड़े उसने इस किताब में, इस पुलिस डायरी में लिखने पड़े हैं, याद रखो इसको आप, याद रखो इसको आप, अभियोग अभियोग दैनिक दैनिक अभियोग डायरी भी कहते हो। और फरीदाबाद पहला जिला है, फरीदाबाद प्रथम जिला है हरियाणा का जिसने पुलिस डायरी लॉन्च करी है, पुलिस डायरी प्रदर्शित करी, पुलिस डायरी को प्रदर्शित करने वाला पहला जिला कौन सा है, फरीदाबाद है, आप याद रखियो भाई इस प्रश्न में। और अब या पुलिस डायरी है ना याद रखोगे, सीआरपीसी दंड दंड प्रक्रिया संहिता हमारे कानून की किताब है 1973 की धारा, याद रखोगे धारा 172 के तहत। हाँ जी, जब कोई पुलिस अधिकारी, आप भी पुलिस में जाओगे तो सुन लो, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की जो पुस्तक है कानून की, उसकी धारा 172 के तहत पुलिस डायरी का वर्णन है कि एक पुलिस का अधिकारी है वो किस प्रकार पुलिस डायरी में रोजाना बात लिखेगा। तो खतरनाक प्रश्न है, पुलिस डायरी प्रदर्शित करने वाला जनता के सामने पहला राज्य कौन सा है, फरीदाबाद, आप याद रखोगे। दो प्रश्न हो गए पुलिस के। तीसरा जो पुलिस का प्रश्न है उसका अपा लिख दिया, राजेश कुमार। हाँ जी, जो राजेश कुमार है, जो ASI है याद रखोगे, जो इसने क्या किया है, एंटी ह्यूमन टेरेफिंग जो है, जो बच्चे खोजे हैं, जो पुरुष खोजे हैं लापता हो जाए उनको ढूंढ दो, घरवालों तक पहुंचाना, एंटी ह्यूमन ट्रैफिक डिपार्टमेंट मतलब इसमें शाखा में काम कर रहे हैं राजेश कुमार, IAS हरियाणा पुलिस का जवान है यो, याद रखोगे। हैं तो इसने 500 से ज्यादा खोए हुए लोगों को, लापता लोगों को अपने घरवालों तक पहुंचाया भाई, प्रश्न याद रखियो। और इसी के लिए इनको कटक में, कटक कहां पर है, ओडिशा में, कटक ओडिशा राज्य के कटक नामक स्थान पर हरियाणा पुलिस के ASI राजेश कुमार को 500 लापता लोगों को उनके परिवारों से मिलाने के लिए याद रखो पुरस्कृत किया गया है, तो ये प्रश्न भी आपने याद होना चाहिए। तो पुलिस के क्वेश्चन है ये, तो आप इस तरह पढ़ी हो भाई, सीधी सी बात ये है, ठीक है। फिर अब पुलिस का क्वेश्चन की बात करना तो अगला हो जाएगा हिफाजत, एक हिफाजत अभियान चलाया है, हिफाजत जो छोटे बच्चे हैं अपराध को रोकने के लिए हरियाणा पुलिस ने हिफाजत, याद रखोगे यो भी हरियाणा पुलिस का ही अभियान है, याद रखोगे ठीक है ना। और उससे आगे अपराधियों में भय उत्पन्न करने के लिए महीने में एक बार उपस्थिति याद रखोगे। तो महीने में एक बार पुलिस वाले सारे प्लान बनाए हैं मनोज यादव जी ने, हरियाणा पुलिस के जो भाई सीधे सीधे सबसे बड़े अफसर हैं, उनने बताई है कि भैया महीने में एक बार आप शहर में गांव में प्रकट हो ताकि अपराध यहाँ के मन में कि वो भय उत्पन्न हो, अपराधी अपराध नहीं करे। तो महीने में एक बार उपस्थिति किसने शुरू करी है, हरियाणा पुलिस ने, यो भी एक अभियान है। तो हिफाजत अभियान की बात मैं कर रहा था, तो छोटे बच्चे हैं तो याद रखोगे चाइल्ड फ्रेंडली पुलिस थाने, महिला पुलिस थाने है ना, जो हरियाणा के जो महिला पुलिस थाने हैं उनको चाइल्ड पुलिस
चाइल्ड फ्रेंडली, बच्चों के साथ दोस्ताना व्यवहार के लिए उसमें खिलौने रखे जाएंगे छोटे बच्चों का तर, याद रखोगे तो चाइल्ड फ्रेंडली पुलिस स्टेशन, महिला पुलिस थाने बना दिए गए हैं हरियाणा के, और हिफाजत आपने बता दिया यो अभियान भी हरियाणा पुलिस का है, और अपराधियों के सामने महीने में एक बार उपस्थिति का अभियान भी हरियाणा पुलिस का है। एस राजेश कुमार एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग डिपार्टमेंट शाखा में काम करे, 500 से ज्यादा बिछड़े हुए लोगों को इसने मिलवाया है, लापता लोगों को कटक में उड़ीसा में इसको सम्मानित किया गया है, और पुलिस डायरी प्रदर्शित करने वाला पहला जिला कौन सा है, फरीदाबाद है, आप इस तरह पढ़ोगे, ठीक है ना भाई। ये क्वेश्चन आपने हरियाणा पुलिस के बारे में आने ही आने चाहिए, ठीक है। और जो विशेष क्वेश्चन बने ना पुलिस का, वो एक क्वेश्चन और है, वो अब तक आप क्या करते हो, फोरेंसिक लैब जो है, फोरेंसिक लैब हरियाणा में आप पढ़ते हो मधुबन में, हाँ जी मधुबन में, और यह मधुबन है ना हरियाणा की करनाल में, तो ये भी पहले कहां पर थी, रोहतक में थी, याद रखोगे, ठीक है। लेकिन अब मधुबन के अलावा फोरेंसिक लैब कहां पर स्थापित की जा रही है, याद रखोगे, एक तो है पंचकूला में, याद रखोगे पंचकूला में भी है, फिर और दूसरी कहां पर है, बोंडसी कहां पर है, गुरुग्राम में, यो प्रश्न भी आपने याद हो गया, यो भी याद हो गया। और एक जो फोरेंसिक लैब है ना, वो प्रश्न नया सा लग गया है मैंने, तो वो एक और फोरेंसिक लैब है, वो याद रखोगे आप, इसार में फोरेंसिक जांच लैब जो है ना, मल मूत्र विसरा खून रक्त वीर्य सिर के बाल, मतलब जो मृतक व्यक्ति कैसे मरा है उसकी सारी साइंटिफिक जो जांच होती है ना, फोरेंसिक लैब वो है, वह तो एक नई स्थापित कर दी गई है, इसार में स्थापित कर दी गई, याद रखोगे। और इसार वाली जो फोरेंसिक लैब है उसके अंदर इसार और पुलिस जिला हमारा आसी, पुलिस जिला आसी है, याद रखोगे, दूसरा मानेसर है, याद रखियो। तो इसार एक पर्सन, इसार फिर उसके बाद में दूसरा कौन सा हो जाएगा, सिरसा जिला, फिर कौन सा हो जाएगा, याद रखोगे इसार सिरसा और फतेहबाद गांधी का इलाका सारा का सारा है ना, इन सारे की जांच कहां पर होगी, इसार की फोरेंसिक लैब में होगी, ताकि मधुमन और दूसरी लैब के ऊपर प्रभाव या बोझ नहीं पड़े काम का। तो भाई ये पुलिस के क्वेश्चन आप इस तरह पढ़ लिये, थोड़े से आप तो निवेदन है, 500% है दिमाग में, मैंने आपकी बता दी, रट्टे ना मार आप, ठीक है ना। अब आगे चलेंगे आप, उसके बाद में आपने ये गाड़ी कर ली, इनोवा कर ली, अब इनोवा गाड़ी में तेल डलेगा तो तेल आपने बिराए है, सीधी सी बात है, इसी के लिए क्या कर दिया गया है पंचकूला में, तेल की बजाय इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन पहला स्थापित कराया गया पंचकूला में, याद रखोगे। और तरुण कपूर कौन है, यो सचिव है, तरुण कपूर सचिव है भारतीय पेट्रोलियम व गैस प्राकृतिक जो मंत्रालय है उसके सचिव तरुण कपूर ने इसका उद्घाटन किया है, पंचकुला में पहला इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग केंद्र स्थापित किया गया है, और पूरे हरियाणा में याद रखियो कितने, 500 हर तीन किलोमीटर पर एक इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग केंद्र स्थापित किया जाएगा पूरा हरियाणा, पूछेगा पेपर में तो बताइयो 500 पंचकुला, तो इसकी शुरुआत हो चुकी है, याद रखियो भाई इस बात में, ठीक है। और जब पंचकुला वहां पर जावांगे ना तो क्या आ जाएगा, उत्तर भारत का डॉग केयर और रिहैबिलिटेशन, डॉग केयर मतलब जो कुत्ते हैं उनको, कुत्ते पाला हाँ पा, कई लोग छोड़ते हैं कुत्तिया ने बुढ़ा होने के बाद, बीमार होने के बाद, तो उनकी उस प्रकार का एक उपचार करने का उत्तर भारत का पहला जो बड़ा डॉग उपचार केंद्र है ना, वो कहां पर स्थापित किया गया है, वो भी पंचकुला में स्थापित किया गया, याद रखियो। और यहां पर ज्ञानचंद गुप्ता, पंचकुला से विधायक ज्ञानचंद जो गुप्ता है ना, इन्होंने यहां पर सुख दर्शनपुर में इसका क्या है उद्घाटन किया, याद रखियो। और पंचकुला की जब बात याद आवे है तो हर घर में पानी की टूटी पहुंचाने वाला हरियाणा का पहला जिला कौन सा है, हर घर नल पहला जिला कौन सा है, पंचकुला है, क्योंकि हर घर जल है ना, यो प्रश्न बहुत बार आने लग रहा है। पुदुचेरी ने अपना लक्ष्य हासिल कराया, केरल में 30 लाख कनेक्शन, हरियाणा 2022 तक जल जीवन मिशन के तहत, हरियाणा 2022 तक जल जीवन मिशन के तहत हर घर में टूटी पहुंचाने का प्रयास करेगा भाई, याद रखोगे, है ना। अंडमान निकोबार ने भी अपनी रिपोर्ट पेश करी है, तो बहुत सारे क्वेश्चन है भाई, वैसे टिपट हो गए तो थारे का लाग रहा हूं, मन के लेना भाई, कोरोना चल रहा है कि आदमी का जी लिखट जा, भला करो, और नेकी गंगा में तो लाश तिरे हैं, कहने तो गभी कौन रहा कि बचाए कौन की मैं सोता दुनिया में, भला कर लो जितना हो सके, छोड़ दो दुश्मन नहीं बैर, आगे चलो। फिर जी पंचकूला याद रखोगे हर घर के हैं नल,
पहला राज्य, पहला जिला कौन सा है? पंचकुला। जल, जब जल की बात याद आई ना आपके, तो आज आठ के याद आ जाएगा आपके आदि बद्री। आदि बद्री कहां पर है? यमुना नगर में, याद रखोगे, बिलासपुर के नजदीक, बिलासपुर के नजदीक। और यहां पर क्या है याद रखोगे? मारकंडा, मारकंडा प्लस सरस्वती जो नदी है ना, इन दोनों के भी ऊपर, उन दोनों का उपबांध बनाया जा रहा है, याद रखो, दोनों को जोड़ा जा रहा है। तो आदि बद्री सरस्वती नदी का आपने पता है, मुगलावली आपने पढ़ा होगा, जरूर पढ़ा होगा, मुगलावली नामक स्थान सरस्वती के अवशेष खोजे गए हैं, याद रखोगे। तो सरस्वती नदी ऐतिहासिक नदी है, ऋग्वेद में सबसे ज्यादा बारिश का वर्णन है, याद रखोगे। तो सरस्वती नदी और मार्कंडा नदी का ऊपर बांध बनाया जाकर उनको जोड़ेंगे, याद रखोगे। तो आदि बद्री कहां पर है याद रखियो, यमुनानगर, सीधी सी बात है, बिलासपुर के नजदीक यमुनानगर में आदि बद्री। जल के ऊपर प्रश्न आ रहे हैं, वो देर लगे सारे के सारे, तो आप एक प्रश्न आप इस तरह पढ़ोगे। फिर सरस्वती का नाम आ जाएगा, तो सरस्वती महोत्सव, सरस्वती महोत्सव मनाया गया, याद रखोगे, कब मनाया गया? यो 14 से 17 फरवरी, याद रखोगे, 2021 की बात हो रही है, सरस्वती महोत्सव, सरस्वती महोत्सव, आदि बद्री सरस्वती महोत्सव याद रखियो। और इसके अंदर पेवा का नाम भी आ जाएगा, तो यो आदि बद्री और पेवा दोनों स्थान पर मनाया गया है। तो सरस्वती महोत्सव बहुत बार क्वेश्चन आवे है। और सरस्वती नदी के उत्थान के लिए, सरस्वती नदी का उत्थान के लिए एक व्यक्ति ने बहुत जोर लगाया था, दर्शन लाल जैन, याद रखियो, सरस्वती नदी के उत्थान के लिए क्यों बताया? 2019 में दर्शन लाल जैन को, दर्शन लाल जो जैन थे ना, इनको 2019 में पद्मश्री पुरस्कार मिला था। और इनका लोकप्रिय नाम क्या था? बाबूजी, बाबूजी। और इनका निधन हो गया, याद रखो, तो इनका निधन हो गया है। सरस्वती नदी का उत्थान करने वाला, पूरा जीवन अपना सरस्वती नदी के खोज में योगदान लगाने वाला व्यक्ति है भाई, दर्शन लाल जैन, बाबूजी नाम से प्रसिद्ध थे, इनका भी निधन हो गया है, इनको पद्म श्री पुरस्कार भी मिला था। तो पानी का क्वेश्चन आप कुछ इस तरह पढ़ोगे मेरे साथ, ठीक है ना? तो यो सरस्वती महोत्सव भी कर लिया, बांध भी कर लिया, हर घर जल में पहला जिला, आपने पंचकूला भी पढ़ लिया, तो आप कुछ इस तरह की तैयारी का एक वजूद पैदा करो भाई, हमने न्यू पढ़ना है, सीधी सी बात है, चाहे उर्द शुरू कर दो, चाहे उर्द शुरू कर दो, तो ये सारी चीज आपने आनी चाहिए। अब हरियाणा में मैं बात, एक नाम लिखू मैं, आकांक्षा अरोड़ा, ये लिख दिया मैंने, आकांक्षा अरोड़ा का आपने जीके नया प्रश्न पढ़ा है, हाँ जी, न्यू कहे इसका जन्म हरियाणा में हुआ था, इसका जन्म हरियाणा में हुआ था, या 1986 में पैदा हुई थी आकांक्षा अरोड़ा। और याद रखोगे, यह यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र विकास जो कार्यक्रम है उसमें लेखा परीक्षक का पद पर है, यूनाइटेड नेशन संयुक्त राष्ट्र क्या है, विकास जो कार्यक्रम है ना, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंदर या लेखा, लेखा परीक्षक के रूप में इसकी नियुक्ति है। और इसने एक धमाका कर दिया बहुत बड़ा, मान गया हरियाणा की छोरी ने भाई, फिलहाल कनाडा की, या वह है याद रखियो, फिलहाल या कनाडा की नागरिक है, कनाडा की इसको नागरिकता प्राप्त है, लेकिन इसका बचपन या 6 वर्ष की उम्र में हरियाणा तक चली गई थी, सऊदी अरब, कहाँ चली गई थी? सऊदी अरब, है ना, उसके बाद में यार कनाडा चली गई। और अब यह खास बात कर दी इसने, चमत्कार कर दिया, न्यूबली यूजी का के है, याद रखोगे, एस जी का सिक्योरिटी जनरल जो है ना, जो अब कौन है, एंटोनियो गुटेरेस है ना, संयुक्त राष्ट्र संघ का महासचिव कौन है, हिंदी में बात करांगे आप, एंटोनियो गुटेरेस है, पुर्तगाल का है, पुर्तगाल का भूतपूर्व प्रधानमंत्री है। और वो 1 जनवरी जो गुटेरेस है ना, गुटेरेस 2017 तक इस पद के ऊपर है, याद रखोगे। और इस यूएन के महासचिव का कार्यकाल 5 वर्ष होता है, याद रखोगे। तो जनवरी 2022 में ना, 2022 में नया बनना है, तो हमारी हरियाणा की जो लड़की है ना आकांक्षा अरोड़ा, या के बोली मैं यूएनओ का जो महासचिव होता है ना उसका चुनाव लड़ूंगी, बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात, इसने पहले घोषणा कर दी। फिलहाल किस पद पे है यार? यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम जो है उसकी लेखा परीक्षक है, याद रखोगे आप। या लेकिन इसने घोषणा कर दी भी अब जो चुनाव होगा ना यूएन सेक्रेटरी का, संयुक्त राष्ट्र संघ के जो महासचिव का चुनाव होगा, बोले उसका चुनाव मैं लड़ूंगी। कौन लड़ेगी? आकांक्षा अरोड़ा। अब मैंने बताइयो, इसका जन्म बता दिया 1986 में है, सऊदी अरब गई है, फिर कनाडा गई है, कनाडा किसके पास नागरिकता है, इसमें तो पर्सन पक्का आस कहे हरियाणा में, याद रखो। अब मुन्नू बताओ हरियाणा के किस जिले से संबंध है आकांक्षा अरोड़ा का, यो प्रश्न आपने आना चाहिए, ठीक है। अब आकांक्षा अरोड़ा आपने कर दी, उसके बाद में अगर आप बात करा दूसरा नाम आप अकेले वांगे, पायल छाबड़ा, ये लिखांगे अपन नाम, पायल छाबड़ा का नाम लिख दिया, लेडीज लेडीज के बारे में मतलब नाम के ऊपर बताऊंगा आपने मैं,
पायल छाबड़ा यार आर्मी में कैप्टन बनी है, पूछेंगे 17वीं 18वीं रैंक आई इसकी, बहुत बड़ी बात है या इंडियन आर्मी में। पायल छाबड़ा, और यार पायल छाबड़ा याद रखियो, सीधी सी बात है, पायल छाबड़ा कैथल जिले की है। कौन सा जिले की है? कैथल जिले की, कैथल जिले की है पायल छाबड़ा। अब सामने के आ गया, कैथल आ गया। उप कैथल में के है, याद रखोगे क्या है, याद रखोगे बायोमास प्लांट। बायोमास प्लांट किस जिले में, हरियाणा किस जिले में बायोमास प्लांट स्थापित किया जा रहा है? कैथल जिले में। और कैथल में एक गांव है हरसोला, कौन सा गांव है? हरसोला। हरसोला में जब खुदाई करी गई ना, हरसोला गांव में खुदाई करी गई, तो खुदाई के अंदर पुराने चांदी के, याद रखोगे 103 साल पुराने 67 सिक्के बरामद हुए हैं चांदी के। हरसोला गांव कहाँ का है? कैथल का है, याद रखोगे, ठीक है ना। और कैथल का गांव हरसोला है, तो एक और है क्योड़क, कौन सा गांव है? क्योड़क गांव, कौन सा गांव है? क्योड़क। क्यों बताया? हरियाणा का पहला गांव है क्योड़क। क्योड़क हरियाणा का पहला गांव है जो तालाब से सिंचाई करेगा, तालाब से सिंचाई करेगा क्योड़क गांव, क्योंकि तालाब से सिंचाई दक्षिण भारत में होती है, तमिलनाडु राज्य में सबसे ज्यादा तालाब की सिंचाई हो भाई, याद रखियो। तो तालाब से हरियाणा का पहला गांव है जो पौंड तालाब से जोड़ता है, सिंचाई करेगा खेती की, याद रखोगे। जब तालाब का नाम याद आया तो मेरे क्या याद आया? श्यामी सर, श्यामी सर तालाब, श्यामी सर तालाब कड़े है, याद रखियो। श्यामी सर जो तालाब है ना वो दादरी जिले में है, श्यामी सर तालाब क्या है? दादरी जिले के अंदर है, याद रखोगे। और श्यामी सर तालाब, जो श्यामी सर तालाब है ना, इसको भी पर्यटन के रूप में इसको क्या किया जाएगा? विकसित किया जाएगा। श्यामी सर तालाब कड़े है दादरी में है, हाँ जी, हरियाणा का 22वां जिला दादरी। दादूर संस्कृत भाषा का शब्द, मेंढक ज्यादा आया करते, याद रखोगे। तो दादू दयाल, दयाल एक महात्मा थे, दयाल की नगरी भी बोलते हैं दादरी को, याद रखियो, है ना। और पृथ्वीराज चौहान का बेटा भी कौन, के नाम था उसका जो रूस का आ गया था तरावड़ी तय, वो आड़े बस गया था, याद रखोगे। बिल्लन देव है ना, बिल्लन देव, उसका नाम अभी दादरी। अब दादरी जिला करेंगे तो बताऊंगा आपने सारी बात, तो आप याद रखोगे दादरी का श्यामी सर तालाब को पर्यटन के रूप में विकसित किया जा रहा है। फिर ठीक है जी, हाली, फिर है जी हाली, हाली तालाब, ये भी हिसार का है, आली तालाब इसार का, इसको भी पिकनिक स्पॉट के अंदर, पिकनिक स्पॉट बनाया जा रहा है आली तालाब को। तो ये प्रश्न आपने आने चाहिए, सीधी सी बात याद आपने ये होनी चाहिए। तालाब आ गया, श्यामी सर तालाब आ गया, दादरी का नाम आ गया। अब दादरी को परे खतरनाक क्वेश्चन है, ये है वो 2020 के अंदर लिंगानुपात, 2020 की रिपोर्ट के अनुसार लिंगानुपात सबसे कम हरियाणा में 2020 के अंदर, 2011 बना जाइयो, अब 2020 की रिपोर्ट है या 2020 की ताजा रिपोर्ट जो ईयरली होती है, 2020 में लिंगानुपात सबसे कम किस जिले का है? दादरी जिले का है। और सबसे ज्यादा लिंगानुपात पॉजिटिव स्त्री पुरुष की, लड़के लड़कियों की जनसंख्या जहां पर सबसे अधिक है वो कौन सा है? सिरसा। 2020 की रिपोर्ट के अनुसार लिंगानुपात सिरसा पहले नंबर पर है, सबसे कम लिंगानुपात कड़ा है, याद रखोगे कड़ा है यो दादरी में। और पूरा हरियाणा का पूछे तो 1,922, याद रखोगे। तो लिंगानुपात 1,922 2020 की बता रहा हूं मैं आपको बात। तो भाई देख, यूके कर दिया हमने, इस तरह पढ़े आपा न्यू पढ़े, हाँ देख लो, इस ने बोर्ड ना आप पढ़े भी छेड़ोगे ना तोड़ते, एक नया प्रश्न आपके सामने आस्क है, याद रखोगे। यो आकांक्षा अरुणा था ने, है जो आकांक्षा था, तो इस आकांक्षा का बना देंगे अंजलि, अंजलि असीजा, अंजलि असीजा, हाँ जी, या तीसवीं मास्टर्स राज्य स्तरीय एथलेटिक्स जो प्रतियोगिता हुई थी ना, अंजलि असीजा अंबाला जिले में एक स्कूल की प्रिंसिपल है, अंजलि असीजा अंबाला की रहने वाली, कौन से जिले की है? अंबाला की है। और इसने तीसवीं मास्टर्स जो सीनियर 35 साल से ज्यादा उम्र के जो लोग हैं उनको वेटरन बोलना है, उस मास्टर बोलना है, 35 प्लस एज की उम्र में इसने भाग लिया है 30वीं मास्टर राज्य स्तरीय एथलेटिक्स प्रतियोगिता में 5000 मीटर रेस में, कौन सी रेस में जीत गया? 5000 मीटर रेस में इसने पहला स्थान प्राप्त किया है
अंजलि असीजा में, याद रखोगे, हो गया एक प्रश्न। कौन सा जिला की है? अंबाला जिला की। हाँ, वो है अंबाला जिला जहां पर आर्यभट्ट विज्ञान केंद्र की स्थापना की जा रही है अंबाला में, और अंबाला में ही ऑल वेदर स्विमिंग पूल, वेदर मैंने वो है मौसम, ऑल मैंने सारे सारे जो मौसम होते हैं ना, याद रखियो, सभी मौसमों में उस स्विमिंग पूल का इस्तेमाल हो सकता है। अंबाला कैंट के वार हीरोज जो मेमोरियल का जो स्थान है ना, वहां पर उसको बनाया जा रहा है ऑल वेदर स्विमिंग पूल। सभी गर्मी हो, सर्दी हो, बारिश आती हो, आंधी आती हो, लेकिन उसके अंदर स्विमिंग हो सके है। ऑल वेदर स्विमिंग पूल अंबाला में विकसित किया जा रहा है, आप याद रखोगे। और अंबाला तो एक बहुत बड़ा प्रश्न याद आने लग गया है मेरा इस टाइम पे, और उसका प्रश्न का है, याद रखोगे, विजय वल्लभ जैन मुनि थे, विजय वल्लभ जैन मुनि थे, याद रखोगे। इनकी 151 इंच की मूर्ति स्थापित की जा रही है जैन मुनि विजय वल्लभ की 151 इंच की, 12.58 फुट, 12.58 तो के बोलूं, पॉइंट के बाद 58 बोलना पड़ेगा आपने, तो 12.58 फुट की, यानी कि 151वीं जयंती थी इनकी। तो इस उपलक्ष में याद रखोगे अंबाला के अंदर जैन समुदाय के ये प्रसिद्ध संत थे विजय वल्लभ जैन मुनि थे, तो 151 इंच की मूर्ति अंबाला में किस स्कूल के अंदर, किस गांव के, किस जैन इंटरनेशनल, विजय वल्लभ जैन इंटरनेशनल स्कूल है भाई, उसके अंदर यह 151 इंच की मूर्ति स्थापित की गई। इसका नाम क्या है? स्टैचू ऑफ पीस, पीस मैंने वो शांति, स्टैचू ऑफ पीस याद रखियो, पीस मैंने वो शांति। स्टैचू ऑफ यूनिटी तो कौन सी थी? सरदार वल्लभ भाई पटेल वाली, वाह, हां जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल वाली मूर्तिया के नाम स्टैचू ऑफ यूनिटी, यूनिटी मैंने होती है एकता। वाकड़ा है गुजरात में है, नर्मदा जिला है ना, नर्मदा जिला याद रखोगे, गुजरात के नर्मदा जिले के अंदर है पतास्को, और जगह कड़े हवा, और उसके किनारे पर भी हरियाणा भवन की स्थापना की जा रही है। उस स्टैचू ऑफ यूनिटी गुजरात का याद रखोगे, वहां पर भी हरियाणा भवन की स्थापना की जा रही है। खतरनाक प्रश्न दे दिया है, वह स्टैचू ऑफ के थी, स्टैचू ऑफ क्या थी? वो यूनिटी, एकता। 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस मनाते हो, सरदार वल्लभ भाई पटेल जयंती को 31 अक्टूबर 2019 ने क्या होया था, लद्दाख और जम्मू कश्मीर बनाए गए थे, वो कानून लागू कराया गया था, याद रखियो। तो फिर यह है स्टैचू ऑफ पीस, यह है पीस मैंने शांति की मूर्ति, और इसी प्रकार की मूर्ति या तो हरियाणा का अंबाला जिला में, गांव का नाम पूछा बताइए, विजय वल्लभ जैन इंटरनेशनल स्कूल किस गांव में है जड़ा या मूर्ति लगाई गई है स्टैचू ऑफ पीस, और इसी प्रकार की स्टैचू ऑफ पीस या शांति की जो मूर्ति है ना, राजस्थान के पाली जिले के जैतपुरा नामक स्थान पर, जैतपुरा पाली जिला राजस्थान में भी 151 इंच की मूर्ति लगाई गई है, मोदी उद्घाटन करके आया था उसका। तो दोस्तों मेरे ख्याल में पढ़ाई या वह बोर्ड के करेगा, जुबान के करेगी, कोई रटे नहीं मार रखे मन, आप में से भी बात करो, मैं प्रश्न का उत्तर दूंगा, कदे आप दो पढ़ाई या हो रहा है भाई, न्यू कोनी 10% आए रट लिया, 10% ले आए आगर लिखा दिए, फोन में देख कर लिखा दिए, उन कोचिंग में क्यों रुपया बर्बाद कर रहे हो भाई, कोई फायदा नहीं, मैं तो यह कहूंगा। चलो आगे चलांगे, तो फिर आपने ये इतनी बात कर दी, अब उसके बाद में याद रखोगे, अब स्कूल की बात चले थी, स्कूल की बात चली है, आचार्य विजय वल्लभ स्कूल था ना, इसी प्रकार के वल्लभ नाम आया इसका अड़खड़ लिख दिया, देख लो पा जाएगा जड़े भी है। तो अब एक बात बताओ, वल्लभ का नाम आया बल्लभगढ़, कौन सा के नाम आया बल्लभगढ़, और बल्लभगढ़ का नाम आप के पढ़ो हो बलरामगढ़ है के बना दिया कि नहीं, नया नाम बताओ दिखा, बलरामगढ़ का नाम के है नया, बलराम पर नाम धर दिया याद रखोगे, लेकिन भी लोगों ने बल्लभगढ़ देखे हैं। तो बल्लभगढ़ के अंदर एक बात याद रखियो आप, बल्लभगढ़ के अंदर जो सरकारी महिला कॉलेज है ना, बल्लभगढ़ के सरकारी महिला कॉलेज का नाम सुषमा स्वराज पर रख दिया गया, आज का खतरनाक क्वेश्चन है, बल्लभगढ़ यानी बलरामगढ़ फरीदाबाद में है यो, याद रखोगे, तो उसके अंदर क्या रख दिया गया है नाम उसका, सुषमा स्वराज के ऊपर नाम रख दिया महिला कॉलेज का, याद रखोगे बल्लभगढ़ सुषमा स्वराज, हमारे जो विदेश मंत्री थी, अंबाला जिला जिसका संबंध था, अंबाला की पहले
शुरुआती विधायक भी बनी है अगली, तो सुषमा स्वराज याद रखियो आप इस बात ने, ठीक है ना। तो आप इस तरह पढ़ोगे। और जब फरीदाबाद में हम गए हैं ना, तो फरीदाबाद में थारा के याद आना चाहिए, फरीदाबाद में थारती बार पिछली वीडियो में बताया था सरकारी वैन द्वारा राशन बांटा गया, सरकारी वैन द्वारा राशन बांटने वाला पहला जिला कौन सा है, फरीदाबाद है। तो ये प्रश्न भी हो गया भाई आपका। उसके बाद फरीदाबाद में दोबारा अंदर जावांगे तो फरीदाबाद की विशेष बात जो आपने आनी चाहिए वो सबसे बड़ी बात के है कमिश्नरी, पुलिस कमिश्नरी है फरीदाबाद भी है ना, गुरुग्राम भी है, याद रखोगे, और कौन सी है, पंचकूला भी है। ये प्रश्न आपने आने चाहिए भाई, आपका निवेदन है भाई, प्रश्न का कोई ओड़ा कोनी तोड़ा कोनी। तो आप इस तरह पढ़ लियो, ज़्यादा लंबी वीडियो अपलोड होनी होगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, मिलते हैं नए वीडियो भाई, तब तक जय हिंद, नमस्ते।